बार स्वागत है रसोई की पाठशाला में। आज की रेसिपी पालक पनीर, जिसको हम बनाएंगे बहुत ही अलग तरीके से और एकदम शॉर्टकट में, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। और जानेंगे किस तरीके से आपके पालक रहेंगे हरी, वो भी जैसे रेस्टोरेंट में आप खाते हैं ना पालक पनीर, उसी तरीके से आपका भी एकदम ग्रीन रहेगा। और साथ में कैसे बनाएंगे ग्रेवी, कुछ एकदम थिकनेस रहे बिना कोई प्रिजर्वेटिव, बिना कोई चीज़ के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल कीजिए शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं और इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक जोड़ी पालक ली हूँ। पालक को मैंने अच्छी तरीके से धोकर मैंने इसको हाफ कर दी। अब एक साइड मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दी। अब पानी को मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए दो वजह से रखी, यानी कि एक तो मेरे जो पालक में अगर डर्ट हो गया वो भी निकल जाएगा, साथ में अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। लेकिन आपको इसको कंटिन्यूसली नहीं चलाने का, 3 मिनट के लिए खाली रखने का, और इसको हम ढक के बिल्कुल नहीं पकाएंगे। अब इस तरीके से होने के बाद हम इसको निकालेंगे एक बर्फ़ के बोल में रखेंगे, यानी कि आइस क्यूब में। इस तरीके से क्या होगा, इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाएगी, साथ में इसका कलर भी स्टेन रहेगा, यानी कि फेड नहीं होगा। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे और साथ में इसमें आइस क्यूब भी डालेंगे और पानी भी डालेंगे। आइस क्यूब पानी इसलिए डालेंगे कि जो गर्मी है इसकी वो हमारे पत्तों को काला नहीं करे। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती, देखिए कितना ग्रीन है। मैं इसको ट्रांसफ़र करती बोल में, आपको अच्छी तरीके से दिखेगा, कोई कलर एडिट नहीं है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट में भी बनती है पालक, इसी तरीके से बनता है हरापन भी। यहाँ पर कढ़ाई होगी गरम। अब यहाँ पे मैंने करीब 2 चम्मच तेल डाली। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर का जीरा। जब जीरा चिटकने लग जाएगा तब आप इसको चलाएंगे, फिर बाद में हम डालेंगे पिंच ऑफ हींग। हींग काफ़ी अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, तो डाइजेशन के लिए हमें हर चीज़ में सब्ज़ी में डालनी चाहिए, चाहे वो ग्रेवी वाली हो या बिना ग्रेवी की। अब यहाँ पे 3 से 4 कली मैंने लहसुन, जिसको रफली मैंने चॉप की, उसी के साथ में डालूंगी 1 इंच अदरक। अदरक और लहसुन हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक हल्का सा गोल्डन टेक्सचर ना हो जाए, देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें डालूंगी मिर्ची। ये मिर्ची तीखी नहीं है, यहाँ पे मैंने 3 मिर्ची डाली थी और उसी के साथ मैंने 6 से 8 यहाँ पे काजू डाली। काजू हमारे ग्रेवी को थिक देगा और खोपरा शाइन देगा, इसीलिए अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप मगज़ का भी बीज यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ कांदा ली, इसको भी मैंने रफली चॉप की। इसको हम थोड़े टाइम तक सॉटे करेंगे, फिर बाद में इसमें डालेंगी एक मतलब स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक डालूंगी। यहाँ मैंने 1 टीस्पून का नमक ली थी क्योंकि नमक मुझे आगे भी डालना रहेगा। तो यहाँ पर हम नमक इसलिए डालते हैं कि हमारा कांदा अच्छी तरीके से पक जाए। अब इस तरीके से गोल्डन टेक्सचर आने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर बहुत लोगों को लग रहा है कि टमाटर नहीं डाला जाता पालक में, लेकिन टमाटर डाला जाता है जो पालक में थोड़ा खट्टापन आए, इसीलिए यहाँ पे मैंने कच्चा पक्का टमाटर डाली हूँ। अब इसको हम थोड़ा ढक के पकाएंगे सॉटे करने के बाद करीब 3 से 4 मिनट तक, जब तक उसकी जो स्किन होती है टमाटर की अलग ना हो जाए और एकदम सौगे जैसा ना हो जाए, देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको ठंडा करने के बाद मैं डाल दी हूँ ग्राइंडर में। आपको गरम गरम नहीं डालने का है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत क्विकली मुझे चाहिए तो आप इसमें ठंडा पानी मिला सकते हैं और इस तरीके से आपका मिक्सचर गरम भी नहीं होगा। अब इसको हमें थिक पेस्ट चाहिए, ना ही कि एकदम थिन पेस्ट चाहिए। थिक पेस्ट के लिए आपको थोड़ा पानी कम डालना पड़ेगा, इसीलिए देखिए कितना अच्छा कलर है क्योंकि टमाटर का रंग है। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली थी, आपने भी देखा था मैंने हल्दी नहीं डाली थी, इसीलिए। ग्रेवी ऑफ पालक की प्यूरी भी तैयार होगी। यहाँ पे मैंने करीब 2 चम्मच घी ली हूँ और साथ में डालूंगी 20 ग्राम से, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 30 से 20 ग्राम मैंने यहाँ पर पनीर डाली हूँ और इसको हम अलगा से सॉटे करेंगे घी में। घी में बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है, उसको हम तब तक चलाएंगे जब तक हल्का सा गोल्डन टेक्सचर ना हो जाए। आप ऐसी कच्ची पनीर मत डाल दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर होगा। अब बचे हुए घी में मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून बटर, ये अनसॉल्टेड बटर है, और जब बटर पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब यहाँ पर डालूंगी 1 टेबल स्पून जीरा। जब जीरा चलाने के बाद थोड़ा सा चिटकने लग जाएगा तब यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन। लहसुन यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 कली डाली हूँ। लहसुन का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है बटर और पालक के साथ, बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर जाता है, तो इसलिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स इसमें पालक की सब्जी में हमेशा या पालक सूप में लहसुन ज़्यादा ही है। साथ में हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड कांदा जो मैंने मीडियम साइज़ की थी। अब इसमें मैंने करीब 1 टेबल स्पून नहीं, पिंच ऑफ मैंने यहाँ पर डाली 1 टीस्पून जितना नमक, क्योंकि नमक मैंने वहाँ पर कम डाली थी और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको स्वाद अनुसार मैंने पूरा कर दिया। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर डालूंगी गरम मसाले और साथ में उसके साथ हल्दी भी।
हल्दी और गरम मसाले को मैं यहाँ पर करीब 1 मिनट तक सॉटे करूँगी, ज़्यादा ही नहीं, क्योंकि उसके हम ज़्यादा सॉटे करेंगे तो उसकी एसेंशियल ऑयल निकल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ग्रेवी डाल दी। अब मुझे यहाँ पर ग्रेवी को करीब 3 से 4 मिनट तक पकाने के, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी पहले से ग्रेवी पकी हुई थी तो मैंने यहाँ पर ग्राइंड की थी। अगर आप सोच रहे कि मुझे डायरेक्टली उसको ग्राइंड करने का, तो आपको यहाँ पर इस स्टेज में उसको पकाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पहले से पकाई हुई चीज़ें यानी ग्रेवी हम पहले से कुक किए रहेंगे तो उसमें यहाँ पर बहुत कम टाइम लगेगा। अब आपने देखा किनारे पर तेल आ गया, इसका मतलब ये है कि ग्रेवी मेरी अच्छी तरीके से पूरी रेडी हो चुकी है। अब टाइम आ गया है प्यूरे डालने का। पालक का देखिए कितना अभी भी हरा है, जिस तरीके से मैंने बनाई थी, अगर आप उसी तरीके से पालक का प्यूरे बनाएंगे ना, आपका भी पालक उसी तरीके से ग्रीन रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टमाटर डालने से मेरे पालक हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएंगे, तो पूरी तरीके से टमाटर भी ऑप्शन है। 2-3 मिनट कुक होने के बाद अच्छी तरीके से बॉईल आ जाएगा, तब आप इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को डालने के बाद और 2-3 मिनट तक हम सॉटे करेंगे, फिर बाद में गैस को हम बंद कर देंगे। आपके पास 2 ऑप्शन, अगर आपको शाइनिंग चाहिए तो आप इसमें 1 टेबलस्पून यानी टीस्पून जितना बटर भी डाल सकते हैं, या तो फिर धनिया। धनिया डालने के बाद इसको क्विकली चलाएंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। उम्मीद है आपको आज की पालक पनीर की सब्जी काफ़ी पसंद आएगी, जिसको हम बनाएं बहुत ही आसान तरीके से। तो बिल्कुल ना भूलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मुझे कमेंट सेशन में बताएं आपको कैसा लगा। और अभी के लिए बाय बाय।